सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ता था ना, तब तक तो हमने उसको यहाँ देखा था। लॉरेंस बिश्नोई, जरायम की दुनिया में अब ये नाम एक ऐसा किरदार बन चुका है जिसके दबदबे की धमक सात समंदर पार तक सुनाई देती है। जुर्म की दुनिया के इस आका का एक ऑर्डर आता है तो उसके इशारे पर उसके गुर्गे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आज के समय में लॉरेंस खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, लेकिन उसकी असली कहानी क्या है ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम उसके गांव पंजाब के जिला फाजिलका के दूता रावाली में पहुंची। हाईवे से गुजरते हुए हमारी टीम गांव की उन गलियों में पहुंची जिन गलियों में लॉरेंस का बचपन बीता था। गांव में घुसते ही वो खेल का मैदान दिखाई दिया जिसमें लॉरेंस खेला करता था। साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस पर भले ही मर्डर, फिरौती, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के केस चल रहे हैं, लेकिन उसके गांव वाले उसे क्रिमिनल नहीं मानते और उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो ऐसा कहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गांव में न्यूज 18 पहुंचा है। गांव में किस तरह के हालात है, लॉरेंस बिश्नोई का बचपन इन गांव की गलियों में से गुजरा है। हम बातचीत करते हैं गांव के लोगों से। गांव के लोग जो है मौजूद हैं। सर, लॉरेंस बिश्नोई का गांव है? हाँ जी। तो कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था जी, और अच्छे नेचर का था और खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। गांव में तो कभी, गांव में कोई भी उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप किसी भी गांव में किसी भी तरफ जाओगे ना, आप तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि उसमें कोई खराबी थी। बहुत अच्छा लड़का था। तो यहाँ से कब लास्ट समय कब आया था यहाँ पर इस गांव में? लास्ट समय तो भाई सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ता था ना, तब तक तो हमने उसको यहाँ देखा था। उसके बाद जब चंडीगढ़ चला गया पढ़ने, वहाँ पे तो कभी कभार ही आता था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये गैंगस्टर तक का नाम जुड़ गया उसके साथ? जी, इसका तो हमें पता नहीं है कैसे जुड़ गया कैसे नहीं जुड़ गया। हम तो जमींदार आदमी हैं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक था, हमें तो बस इतना पता है उसको। तो भाई हमने तो कभी उसको गलत तो देखा नहीं है। और बाकी अंदर बैठा है, जेल के अंदर है वो, उसके बाद भी अगर बाहर से कोई ब्लेम लगा रहा है तो उसका भी क्या किया जा सकता है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमें यहाँ दो बातें ऐसी पता चली जो मीडिया में गलत चल रही हैं। पहली ये कि लॉरेंस के पिता हेड कांस्टेबल थे, और दूसरी ये कि लॉरेंस को उसका परिवार हर साल 35-40 लाख रुपए खर्च के लिए भेजता है। गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसके परिवार में कोई भी पुलिस में नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनका नाम सारे वर्ल्ड में है, देश में नहीं है, बाहर भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ता है, ना किसी से फालतू तो बात करता था। गांव के अंदर इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना भी किसी से आपके थोड़ा सा ही बड़ा मिल गया उसके पैर छूता था। हम ये कहते हैं, मैं कह उसका 120 किला पहली है, खुद की लैंड लॉर्ड है। कई कहते हैं ये बहुत पुलिस में था उसका बाप, उसने पुलिस वालों से खाया, उसे उस बच्चे उसको खाया कुमा के। ये कोई गलत बात है? बिल्कुल ही बात है। फिर भाई साहब एक बात और बता रहे, गांव में उसका अच्छा स्वार्थ था, अच्छा था राष्ट्रहित के लिए, प्रांतनी वालों में धर्म के लिए। गांव में घुसते ही सामने लाल रंग की शानदार बिल्डिंग दिखती है। गांव वाले इसे महात्मा श्री साहब राम जी राहड़ का मंदिर कहते हैं। साहब राम राहड़ लॉरेंस के परदादा थे। गांव में रहते हुए लॉरेंस रोज यहां आता था और सेवा करता था। लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें जंगली जानवरों को नहीं मारने, हरे वृक्षों को नहीं काटने और साफ सफाई रखने का संदेश दिया गया है, जिसको लेकर बिश्नोई समाज आज भी इन बातों पर अमल करता है। लॉरेंस बिश्नोई के गांव के अंदर मौजूद हैं चचेरे भाई रमेश बिश्नोई, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, लॉरेंस आखिर गैंगस्टर कैसे बना? रमेश जी, क्या ऐसा हुआ कि आज लॉरेंस बिश्नोई के साथ गैंगस्टर नाम जुड़ गया?
सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे गांव दोतारावाड़ी में आके और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो सच्चाई जो है वो लेने के लिए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखो, जब राजनीति चीज़ के अंदर आदमी, जैसे इलेक्शन था तो इलेक्शन फिर वो राजनीति चल पड़ी, राजनीति अंदर जब स्टार्ट हो जाता है काम तो उसका कारण राजनीति, मैं मानता हूँ कि राजनीति थी और राजनीति के अंदर वो उसमें फंसता गया दलदल के अंदर और आज वो कहाँ पहुँच गया। तो अब जो भी बात सुनते हैं वो मीडिया में सुनते हैं, भाई वो किसी को धमकी दे रहा है क्या दे रहा है, यह तो उसको पता है, भगवान को पता है। और हम तो हिंदुस्तान भारत के कानून में विश्वास रखते हैं और कोर्टों में जो माननीय कोर्टें हैं उन पर हमें विश्वास है। हम यही आशा करते हैं कि हमें जो है इंसाफ उस बच्चे को मिलेगा। लॉरेंस के चचेरे भाई ने यह भी बताया कि लॉरेंस अपने परिवार को माता वैष्णो जाने का कहकर गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया और लॉरेंस को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जेल में रहकर कैसे कोई किसी की हत्या करवा सकता है? लॉरेंस बिश्नोई के पूर्वजों के मंदिर के अंदर हम खड़े हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये पूर्वज लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के जो पूर्वज है महात्मा श्री साहेब राम जी, जिनका यहाँ पर समाधि स्थल मौजूद है और इनको मंदिर की तरह पूजा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक खास बात है, लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के पूर्वजों की तरफ से जो एक ग्रंथ के लिखा गया है जो आज यहाँ पर सुशोभित है, यहाँ पर मौजूद है, ये पूरे गांव के ये तस्वीर है। ये लॉरेंस बिश्नोई के पूर्वजों का मंदिर है, जिस मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गांव के दुतारावाली, लॉरेंस बिश्नोई के गांव दुतारावाली के अंदर मौजूद है, जो पिछले काफ़ी सालों से यहीं पर मौजूद है और यहां पर लोग जो है मंदिर की तरह इसको पूजते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पूर्वजों का मंदिर है जहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई समय बिताता था, माथा टेकता था, कहीं भी आना जाना होता तो पहले इस मंदिर में जो माथा टेकता था, उसके बाद जो आगे का काम करता था। स्कूल का अगर बात कर ले तो स्कूल में जाना हो तो इस मंदिर से माथा टेकने के बाद वो आगे निकलता था, अपनी मंजिल की तरफ निकलता था। आज भी जो इस मंदिर में बिश्नोई समाज के लोग सेवा करते हैं, मंदिर की तरह पूजते हैं, इनके पूर्वजों की तरफ से लिखा गया है, जिसमें समाज के लोग बताते हैं कि अच्छी बातें जो लिखी है, समाज के पक्ष में जो सी बातें लिखी गई हैं, इन सभी बातों को लेकर आज भी जो बिश्नोई समाज जो आज भी मानता है। तो इस माहौल के अंदर जो है लॉरेंस बिश्नोई इस गांव में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर से उसका नाम चर्चा में है। न्यूज 18 के लिए फाजिलका से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, उसकी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। सलमान खान के घर पर हमला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसके शामिल होने की बात सामने आ रही है। अनमोल बिश्नोई पर एनआईए का शिकंजा। अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड घोषित। जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम। एक तरफ जेल में रहकर जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस है तो दूसरी तरफ उसका भाई अनमोल बिश्नोई है जिसे एनआईए पूरी शिद्दत से तलाश रही है। इस बीच एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। साथ ही इसकी जानकारी देने पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। सलमान के घर फायरिंग हो या फिर 12 अक्टूबर को मुंबई में की गई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो, दोनों ही घटनाओं में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की
संलिप्तता पाई गई है। मुंबई पुलिस ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, क्योंकि अनमोल विश्नोई ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। सलमान खान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा अनमोल विश्नोई मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में भी आरोपी है। बार बार ठिकाने बदलने वाला अनमोल विश्नोई पिछले साल जहां केन्या में तो इस साल उसे कनाडा में देखा गया था। साल 2023 में जांच एजेंसी ने अनमोल विश्नोई उर्फ भानु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अनमोल फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत से भाग